देशभर में स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाएंगे। वहीं इंदौर में श्री गुरु टेकचंद उत्सव समिति द्वारा आजादी महोत्सव का आयोजन किया है। यहां यादव नंद नगर धर्मशाला में समाज के वरिष्ठ गोवर्धन लाल वाघेला, हरिप्रसाद परिहार और अनोखे लाल चावड़ा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और समाजजनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। यूं तो देश के सबसे स्वच्छ शहर और मां अहिल्या की नगरी इंदौर में हर त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, फिर राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस की तो बात ही अलग है। पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर देखने को मिला है, जहां मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह महेश गार्ड लाइन स्थित RAPTC ग्राउंड पर होने के साथ ही शहर की सामाजिक संस्थाओं ने झंडा वंदन कर मनाया है। इंदौर के यादव नंद नगर स्थित दामोदर धर्मशाला में श्री गुरु टेकचंद उत्सव समिति के मुकेश सोलंकी के नेतृत्व में भव्य स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गोवर्धन लाल वाघेला, हरिप्रसाद परिहार, अनोखी लाल चावड़ा, पार्षद सीमा कृष्ण वल्लभ डाबी, महिला मंडल अध्यक्ष, महिला मंडल सदस्य द्रौपदी महेश्वरी, सुनीता वाघेला, पुष्पा सोलंकी सहित बड़ी संख्या में मातृ शक्तियां मौजूद रही। इस दौरान गोवर्धन लाल वाघेला, हरिप्रसाद परिहार और अनोखी लाल चावड़ा ने ध्वजारोहण किया है और समाजजनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। इस दौरान समाज के युवा सौरभ कैलाश वर्मा की आयकर विभाग में चयनित होने पर श्री गुरु टेकचंद उत्सव समिति ने सम्मानित करने के साथ उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित इस भव्य आयोजन में समिति पदाधिकारी धनराज महेश्वरी, रूप किशोर सोलंकी, सुंदरलाल गोयल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।